বসিরহাট মহকুমার শরৎনগর থানার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে দহরখণ্ড গ্রামে প্রায় 200 বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করলো সীমান্ত রক্ষা বাহিনী। বৃহস্পতিবার ভোরবেলায় বস্তা নিয়ে একজন পাচারকারী বাংলাদেশে নিয়ে যাচ্ছিল, সন্দেহ হতে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। শ্যাম বিশ্বাসের রিপোর্ট, উত্তর চব্বিশ পরগনা, ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ये जो बैग है इंडिया से बांग्लादेश की तरफ ले जा रहा था, ये देखिए बांग्लादेश बॉर्डर जो कि आपको पूरा डेंस है, इसी फोक का फ़ायदा उठाते हुए स्मगलर ये जो बैग आप देख रहे हैं इसको, जिसमें कि अभी इसको खोला जाएगा, इसको खोलिए, जिसमें कि एक्सपेक्टेड है कि फेंसेडिल है। अभी हम इस बैग को खोल रहे हैं, ऐसे ऊपर से खोल लो, ये आप देख सकते हैं इसमें लगभग 150 से 200 फेंसिडिल होने की संभावना है। ये आप देख रहे हैं इसमें से ये हमें जब्त हुआ है जो कि फेंसिडिल है, इसकी एक बोतल की कीमत लगभग 154 रुपये 27 पैसे है, जो कि आज हमने धारखंडा विलेज हमारा जो ओपी पॉइंट 3 के सामने से पकड़ा। आज दिनांक 19 फरवरी 2020 को लगभग 8 बजे हमारे ASI RK शुक्ला जो कि ओपी पॉइंट नंबर 4 पे थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक सिविलियन जो कि इंडिया से बांग्लादेश की तरफ से काफ़ी तेज़ी से जा रहा था, उसके पास एक सस्पेक्टेड प्लास्टिक बैग था। हमारे ASI RK शुक्ला ने उसको चैलेंज पुकारा, चैलेंज की पुकार उसने बहुत तेज़ी से भागना शुरू किया, तो हमारे ASI RK शुक्ला ने उसका परशूट किया। परशूट के दौरान जो सस्पेक्टेड व्यक्ति था वो अपना एक बैग छोड़ के भाग गया। हम जहाँ पे इतना ज़्यादा डेंस फॉग है आप झारखंडा में देख सकते हैं इस वीडियो द्वारा, कि हमारा एरिया रात को 1:30 बजे से लेके अब लगभग 9 बजने को है, अभी भी पूरा एरिया डेंस फॉग है। तो उस दौरान ये लड़का जो है डेंस फॉग और थिक वेजिटेशन का सहारा लेते हुए इंडिया साइड भाग गया। उस प्लास्टिक बैग को जब खोला गया तो उसमें कुछ सस्पेक्टेड बॉटल्स मिली, उन सस्पेक्टेड बॉटल को कैंप में लाया गया, उनकी गिनती की, उनकी गिनती लगभग 127 बॉटल फेंसेडिल रिकॉर्ड हुआ है, जो कि आज हमारे ASI RK शुक्ला द्वारा ओपी पॉइंट नंबर विलेज धारखंडा गोल्फ कंपनी 112 द्वारा बरामद किया गया। ये एक हमारे जो फेंसेडिल की रिकवरी की सीरीज में एक और हमारी बहुत बड़ा अचीवमेंट है गोल्फ कंपनी का।